जिलाधिकारी शीलेंद्र कुमार सिंह ने आज सदर तहसील से निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं के स्वैच्छिक आधार नंबर एकत्रीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में अपने दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करने वाले कर्मियों को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित तथा BLO को जिलाधिकारी द्वारा फॉर्म 6 भी किए गए वितरित। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि आधार संख्या प्राप्त करने का उद्देश्य मतदाता सूची में उनकी प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण और भविष्य में उन्हें बेहतर चुनावी सेवाएं प्रदान करना है। यदि किसी मतदाता के पास आधार नंबर नहीं है और वे आधार नंबर प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो उसे फॉर्म 6B में उल्लिखित 11 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक के प्रति संकलन करने को कहा जाएगा। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से आह्वान किया है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली को आधार से लिंक करना स्वैच्छिक है, गलत मतदाता सूची डेमोक्रेसी के लिए धब्बा है, लोकतंत्र सबसे अच्छी प्रणाली है, इससे बेहतर कोई प्रणाली नहीं है। जो आयोग के नियम है उसका पालन सुनिश्चित करें, मतदाता सूची सही बन गई तो मतदान का सबसे बड़ा कार्य हो जाएगा। उन्होंने सुपरवाइजरों, BLO, कानूनगो एवं लेखपालों से कहा है कि अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए शुद्ध निर्वाचक नामावली को तैयार कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग के प्रयासों से 100% फोटोयुक्त मतदाता सूची बनी है तो आधारयुक्त निर्वाचक नामावली भी बन जाएगी। आयोग ने आधार को महत्वपूर्ण अभिलेख माना, आधार की गोपनीयता को पूरी तरह से बनाए रखा जाएगा, आधार फीडिंग से मतदाता सूची में डुप्लीकेसी खत्म होगी और शुद्ध मतदाता सूची बन सकेगी। इस कार्य को पूरी सतर्कता एवं जागरूकता के साथ करें, BLO एवं सुपरवाइजर स्तर पर नियमित समीक्षा दिन प्रतिदिन हो। उन्होंने कहा कि इससे हम पवित्र लोकतंत्र का सपना साकार कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि अच्छे ढंग से एवं पूरी गंभीरता से इस कार्य को करें ताकि ठीक प्रकार चुनावी प्रक्रिया को सम्पन्न कराया जा सके। इस अवसर पर अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम प्रज्ञा यादव, तहसीलदार नितिन तेवतिया, कानून गो, लेखपाल, जनप्रतिनिधि, सुपरवाइजर, BLO आदि उपस्थित रहे। क्या फायदा पहुँचने वाला? देखिए, आज जो है जो मतदाता सूची हमारी भारत निर्वाचन आयोग की, उसको आज से आधार कलेक्शन शुरू कर रहे हैं जिसमें आधार फीडिंग भी होगी। इस आधार की फीडिंग करने से जो सबसे बड़ी सहूलियत होगी मतदाताओं को, कि जो तमाम बार एक वोटिंग के आरोप लगते हैं या वोटर लिस्ट के पवित्रता को लेकर के आरोप लगते हैं, उसमें तमाम तरह की गलतियां होती हैं, कई बार डुप्लीकेसी होती है वोटर्स के नामों में, तो ये सब समस्याओं का से छुटकारा मिल जाएगा और वोटर लिस्ट और हमारी पारदर्शी और पवित्र बनेगी। ये निसंदेह आयोग द्वारा उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि अभी ये कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, उसके आधार पर किसी का नाम वोटर लिस्ट से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन अगर आधार से एक बार हम लोगों ने लिंक कर दिया वोटर लिस्ट में, तो उससे कई बार होता है कि जाने अनजाने में एक ही वोटर के नाम एक स्थान से अधिक स्थान पर दर्ज होते हैं, कई बार वोटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना होता है, उसमें उसको दिक्कतें आती हैं। ये लिंक हो जाने से कहीं भी वोटर जब भी चाहे अपने वर्तमान एड्रेस के हिसाब से अपने एड्रेस को चेंज कर सकता है और शिफ्ट कर सकता है, और उसके संबंध में सारे BLOs को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया, सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षित किया और आज से काम शुरू हो गया है। हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम समय में हम लोग 100% अपने वोटर्स का आधार कलेक्ट करके उसकी फीडिंग कर दें। फीडिंग के लिए BLO अपने स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग भी कर सकते हैं और जिनको कोई असुविधा हो यहाँ BRC सेंटर पर जमा करके यहाँ भी फीड करा सकते हैं। जो भी आधार नंबर जो लोग दे रहे हैं उसको पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा और जो वोटर लिस्ट पर पब्लिश भी होगा उसमें शुरू की डिजिट कैप्ड रहेगी, वो कोई देख नहीं सकता है, वो पूरी तरह से उसकी गोपनीयता रहेगी और जो पेपर्स से रिलेटेड होंगे उसको ट्रेजरी के डबल लॉक में रखा जाएगा। तो मैं सभी जनपद वासियों से, जो हमारे वोटर्स हैं, सम्मानित वोटर्स हैं, उनसे आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इस कार्य में BLO को सहयोग दें और अपने आधार को वोटर लिस्ट में फिट कराने का काम करें। सर, इसके लिए डेट डिसाइड, देखिए अभी इस महीने में 7 तारीख 21 तारीख को सभी जो हमारे बूथ हैं वहाँ पर कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे BLO डोर टू डोर जा करके इसको कलेक्ट करने का कार्य। सर, आज ही इस अभियान की शुरुआत हो गई? आज ही सर। थैंक यू।